कसे आहात मित्रांनो, शाही वाजी चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण चाललेलो आहे माझ्या मित्राच्या लग्नाला. तर आता आम्ही निघालेलो आहोत, म्हणजे आम्ही म्हणजे मीच निघालो आहे आता एकटा. माझे मित्र नंतर भेटणार आहेत आणि आता आम्ही वसईला चाललेलो आहोत. आज मंडे आहे, 22 तारीख, आणि कामावर सुट्टी टाकलेली आहे. कशी तरी सुट्टी मिळाली आहे बाबा एकदाची. आता आम्ही म्हणजे मी काल तो कसा आहे. तर आता मी चाललो आहे आमच्या कॉलनीमध्ये, घाटकोपरला आहे मी. आता इकडून निघालो आहे तर आपण मेट्रोने जाणार आहे आज. घाटकोपर टू अंधेरी मेट्रो, देन अंधेरी टू दहिसर मेट्रोने जाणार पहिल्यांदा जाणार आहे. तर त्याचा फुल ब्लॉग मी आज बनवतो आहे. मला पण बघायचं आहे की कसा आहे मेट्रो. त्याच निमित्ताने मेट्रो फिरायला भेटते, कारण की त्या लाईनला तर आपलं जाणं येणं होत नाही. पण आता आज चाललो आहे वसईला, तर जरा मेट्रोनेच जाऊया, म्हणजे आपला टूर पण होऊन जाईल आणि ब्लॉग पण होऊन जाईल. तर आता निघालो मी. आता इथून जायचं मला रमाबाईला, जायचं तिकडून शेअरिंग रिक्षा करेन आणि तिकडून मग स्टेशनवरून मेट्रो टू अंधेरी, दोन मित्रांना भेटेल आणि अंधेरीवरून दहिसर. तर थोडा मोठा होईल व्हिडिओ, पण आपण जाऊया फटाफट. माझ्या इकडून घरावर मी हायवेला जातो, तर माझ्या इकडून स्टेशन थोडं लांब आहे, तर मला रमाबाईपर्यंत चालत जावं लागतं, कारण की इथे शेअरिंग रिक्षा. आता मी रमाबाईला चाललं आहे शेअरिंग रिक्षा पकडायला, तेवढं चालत जावं लागतं. लग्न आहे 11:30 आणि आम्ही आता 12 वाजले तरी अजून मी घाटकोपरलाच. खूपच उशीर झाला आज. तर आता आपण तिकीट काढणार आहोत अंधेरी स्टेशनसाठी. अंधेरी स्टेशनला जायचं आपल्याला, अंधेरी स्टेशन सिंगल. आता तिकीट देत आहे आपल्याला. किती ओके तिकीट भेटलेली आहे. आपण सांगू अंधेरी स्टेशनला जायचं. अंधेरी स्टेशनवरून आपण चेंज करणार मेट्रोसाठी. मेट्रोला एम टू वेने जाणार नंतर. आता जायचं खुललेला आहे दरवाजा आणि अँड हियर वी गो फ्रॉम द एस्कलेटर. एस्केलेटरवर आहे आपण. एस्केलेटरवरून चाललो आहे. नाही 10 मिनटं वेळ, खूप गरम होतं यार. मुंबई की गरमी बोलले तो अभि याद नाही आ रहा आहे. दादा आपण चाललो आहे अंधे घाटकोपरच्या मेट्रो स्टेशनवरती. तिकडून आपण जाणार अंधेरी स्टेशनला उतरणार. मेट्रो आलेली आहे आता आणि खूपच गर्दी आहे इकडे. तुम्ही बघू शकता खूपच जास्त गर्दी आहे आज मेट्रोला. मंडे असेल पण एवढी गर्दी आहे. दुपारचे 12:30 वाजते तरी पण एवढी गर्दी आहे. काय करायचं समजत नाही. मला तर सीट भेटणार नाही असं वाटतं. जागृती नगर
आपला स्टेशन येणार आहे. आपल्याला उतरायचं आहे तिकडून, आपल्याला लाईन चेंज करायचं आहे तिकडून. डायरेक्ट स्कायवॉक आहे लाईन 2A, दॅट विल टेक अस टू बस नेक्स्ट स्टेशन. सो मला कोणा करू द्या. मेट्रो माझ्या मार्ग त्यात आपण एस्केलेटरवरून खाली चाललोय, तिकडून मग आपण लाईन चेंज करणार. प्लॅन मी थोडा चेंजेस हो गया. अभी मैं अंधेरी स्टेशन आ गया, स्टेशन आया हूँ क्योंकि मेरा दोस्त बहुत ही लेट हो गया. टाइम उसके कसा है, बड़ा लेट आया था. आता अंधेरी एक्चुअली रेड लाइन वरुण अंधेरी हाईवे वरुण पकड़ावी लगती थी. तो अंधेरी हाईवेला मी थांबलेलो त्याच्यासाठी, पण तो अंधेरी स्टेशनला आला आहे. मी तो बोललो की अरे खूपच लेट झालं तर आपल्याला विरारला ट्रेननी जावं लागेल. आता त्याच्यावरून जरा आमचं झालं पण माझा चालू आहे. मी स्टेशनवरून बघू. मी बोललो मग आता लग्न राहू दे. लग्नाला तसं पण खूपच उशीर झालं, 11:30 लग्न होतं, आता वाजले 1 दिला होता. म्हणला लग्न लग्न तर राहू दे, आता आलो आहे तर आपण फिरूया ना. तसं पण माझी ब्लॉगिंग चालू आहे तर, आणि तसं पण वसई स्टेशनवरून लई लांब आहे तर मग जाऊन जाणार तरी उशीरच होणार. 1:20 ट्रेन लागली म्हणजे विचार करा, 1:15 तर वाजलाच असेल. आता मी त्याला फोन करतो आहे, फोन करून विचारतो कुठे पोचलं आहे काय, त्या हिशोबाने मग आम्ही पुढचं हे करतो. प्लॅनमध्ये थोडा चेंज झालेला आहे गाईज. आता मी जाणार होतो अंधेरी मेट्रो रेड लाईनवरून, लाईन 2A जाणार होतो मी. ॲक्च्युली लाईन 7 आहे, लाईन 2A मला ॲक्च्युली नाही माहिती, पण मेट्रो हायवेवरून मी जाणार होतो. पण माझ्या मित्रांना लेट झाला यायला, तर तो बोलला की स्टेशनला भेटू आणि स्टेशनवरून मग डिसाईड करू की कुठे जायचं. तर आता मी स्टेशनला थांबलेलो आहे आणि हा अजून आलेला नाही आहे. असा हा माझा मित्र आहे, खूप वेळ झाला. मग अशी मी येऊन त्याला फोन केला तरी पण बोलतो की मी आता ट्रेन पकडतो आहे. आणि तो सांताक्रूजलाच होता. मग त्याच्या अगोदर फोन केलेला तेव्हा मी अंधेरी हायवेला होतो आणि तो बोलला की मी आता स्टेशनला होतो. म्हणजे काय होतं दहा दिवस आता तो बोलतो आहे की मी अंधेरीला पोचे सोडव आहे. तर बघू आता ट्रेन आलेली आहे अंधेरी, अंधेरीला ट्रेन आलेली आहे. आता आला तर बघू भेटतो त्याला, जरा शिव्या घालतो तुमच्या. एवढं एकतर एवढ्या दिवसांनी भेटतात वरून उशिरा करतो आणि त्याला सवयच आहे की मी उशिरा यायची. म्हणजे सगळे आले की मग तो येणार छान. चला आता भेटतो मी, बघू तुम्हाला दाखवतो माझा मित्र आल्यावर. प्रॉब्लेम झाला इकडे, आम्ही जे रिसेप्शन केलं आणि जेवायला गेलो आणि जेवणच संपलंय. माझ्या आम्ही थांबलोय, मुलगा मुलगीचं जेवण बनतंय प्रॉपर. तर आम्ही थांबलोय, तर आता जेवण बनेल मग आम्ही जेवण. लेट येण्यामुळे ना हे सगळं गोंधळ झालेलं आहे, हे पोरांना लेट येतात तुम्ही असू. मुश्किलों के बाद फाइनली हमको खाना मिल गया.
खाना नसीब हुआ है, खाना खाए पोट भर के, उसमें पनीर बहुत ही अच्छा था, एपिक था, पनीर की सब्जी एपिक थी। ना अभी क्या करें, कुछ कर सकता है। बहुत मज़ा आया, खाली आमरस नहीं मिला, आमरस चाहिए था लेकिन नहीं मिला, अभी जाना नसीब। आमरस मिला क्या? आमरस तो देगा तो बात, नसीब खराब। जिसको पूछ रहे हो बोल रहे आ रहे आ रहे आ रहे, हम लोग ने ऑर्डर दिया आ रहे, तो अभी तक आमरस आ रहे, इधर नहीं मिलेगा बैग लग। कभी हम लोग घर पे जा रहे हैं, उधर नाके पे, यहाँ से घर पे कैसे जाएंगे कुछ पता नहीं है। देखेंगे अभी क्या, कौन सा गाड़ी पकड़ेंगे, क्या करेंगे, लिफ्ट मांग के जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, लेकिन जाएंगे घर पे तो जाएंगे, जाएंगे कैसे तो जाएंगे घर पे। अभी क्या देखते कौन सा तो गाड़ी करेंगे, नहीं तो रिक्शा करेंगे, नहीं तो ओला कर लेंगे, अभी क्या करेंगे। हालत बहुत ख़राब है, खाना खाए पेट भर के चला नहीं जा रहे, ऊपर से इतना सारा धूप है। सोनू भैया कैसा लगा आपको खाना खाके? रोने आ रही इतना अच्छा खाना था, इतना अच्छा खाना था, अभी खुशी से रोने आ रहा है उसको, क्योंकि बहुत नसीब से मिला हम लोग को, क्योंकि पूरा ख़त्म हो गया था, फिर भी हमको मिल गया, चलो फाइनली अच्छा हो गया। बस आमरस नहीं मिला, आमरस क्या अभी खरीद ले गए हम लोग, आम खरीद के खा लेंगे, उसका रस पी लेंगे। अरे कहाँ गए लोग? गाइस अभी हम लोग आए श्रवण के घर पे, श्रवण के घर पे जा रहे हम लोग, DGS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, यहाँ पे श्रवण ने रूम लिया है नाला सोपारा में, नया नया रूम लिया है एकदम बिल्डिंग में। यहाँ पे बिल्डिंग में रूम लिया है श्रवण ने, तो अभी हम लोग उसका रूम देखने जा रहे हैं। श्रवण कैसा है, सेट हो गया तू अभी? फ्लैट खाली इधर पे, यहाँ पे फ्लैट खाली है गाइस, जिसको भी चाहिए श्रवण कॉन्टेक्ट श्रवण विश्वकर्मा, नंबर इन द डिस्क्रिप्शन। 15 माले का टावर है, 15 माले का टावर, और हम लोग 6th फ्लोर पे आए हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पे। श्रवण का ये रूम है 602, श्रवण का रूम है, और देख के लग रहा है कि ऐसा वास्तु शांति भी हो गया। श्रवण हमको रूम दिखाने के लिए आया है लेके, ये इतना बड़ा दरवाजा है कि क्या है, अच्छा इमरजेंसी एग्जिट, ये इमरजेंसी एग्जिट है, ये भी खूबसूरत बना है, बहुत अच्छा बना है इमरजेंसी एग्जिट का भी। ओके तो रूम, ए जूता निकाल ना जूता, हाँ बहुत देर के बाद छोटा निकाला, अच्छा लग रहा है। ये रूम है गाइस बहुत ही अच्छा, 6th फ्लोर, 6th फ्लोर से ये व्यू आ रहा है, लगता है लाइट चली गई, तभी हम लोग रूम देख रहे हैं इसका। ये बाथरूम है गाइस, बाथरूम है दोस्तों, यहाँ पे किचन है, किचन भी बड़ा है, किचन में स्पेस है अच्छा, बाथरूम है, इंडियन टॉयलेट है। ये बेडरूम है दोस्तों, यहाँ पे पूजा किया था, ये बालकनी है दोस्तों, वाओ इज इट लुकिंग रियली ऑसम, वो ऐसा लग रहा है गोकुलधाम सोसाइटी में आया हूँ। हाँ रे ये 1st फ्लोर है कि 2nd फ्लोर है वो वाला, सेकेंड, अरे अपना नहीं वो जिसका घर, वो सेकेंड ही रहे, पार्किंग देख के नीचे ग्राउंड से नीचे रहेंगे। वाह यार क्या सही लग रहा है ना, बिल्डिंग मौसम एकदम लिखने को थोड़ा रहने की बात आ रही है, तू चड्डी लगा ली ना सी गंदे, इधर ब्लॉग चल रहे क्या बोल रहे हैं, नहीं एडिट कुछ नहीं होगा अभी, क्या सागर भाई तुम कैसे गुंडा बनेंगे, ब्लॉग अनकट रहता है हमेशा, कुछ भी कट नहीं होता। चलो अंदर का रूम देखते अभी, ये है बेडरूम,
हाँ 1 BHK, ये बेडरूम है और ये हॉल सेम ही है, तो उसने हॉल बाहर थोड़ा बड़ा किया। हवा अच्छी आ रही है, देखो व्यू अच्छा मिला यहाँ से, मतलब जो गैलरी का व्यू है वो किसी का भी ऐसा नहीं है ना, वो साइड में सबका ये साइड में ही है ना व्यू, जैसे कि उनका ये साइड भी साइड अपना ये साइड है, इसमें पार्टीशन डाल दिया है, भेज दिया है, ये अलग है, ये अलग है, इनका दूसरे लोग का, दूसरे लोग का क्या बात है, वो एक का है, इसमें दो लोग का, उसमें दो लोग का, इसमें एक लोग का, बट अच्छा दो लोग के साथ दो लोग का वो और ये वो लास्ट वाला और नहीं, लास्ट वाला एक लोग का, अच्छा ये दोनों एक का है, तो अच्छा था बट सॉर्टेड था ना, सही जगह मिला तेरे को, लेकिन स्टेशन से भी इतना दूर नहीं था, हाँ शेयरिंग रिक्शा मारा तो हो गया, वॉकिंग बताओ, वॉकिंग तो 15-20 मिनट से जाएगा ही जाएगा, आगरे एक्सप्लोर कर रहे क्या क्या है इधर, आप अभी इधर से बना के दिया खुशबू कौन सी आ रही है, चाय की क्यों आ रही है, क्या ये लड्डू क्या आ रही है, लड्डू क्या कभी हुआ है ये पूजा वगैरह, कभी पूजा नहीं हुआ है, ऐसा कलश ला के रखा उधर उधर, अच्छा अक्षय तृतीया थी ना, हाँ व्यवस्थे आए थे हम लोग, उसको एक महीना होने आया था, तो दिन कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए ना, इसने बोला नया नया लिया है तो आके पूजा करके जाते, अच्छा पूजा नहीं करने मतलब ऐसे ही, हाँ कंटिन्यू, बारिश मारेगा लेकिन अंदर, बारिश अंदर आएगा लेकिन नहीं, वो सब मैनेज कर लेंगे, खिड़की बंद कर देने का, बारिश रे अंदर आएगा आड़ा टेढ़ा आएगा तो यहाँ पे इतना नहीं आएगा, वहाँ पे आ जाएगा, ये कितना ऊपर है हाइट उसकी, ऐसा है बारिश है, और बारिश में क्या आ जाएगा, इधर प्लास्टिक मारने का और क्या, नहीं इधर खिड़की बंद कर देने का, इसको तो कुछ होएगा नहीं, इधर बंद ही रही इधर रहता प्लास्टिक मारा ना, इतना बारिश का तो पानी नहीं अंदर आएगा, समझ रहा है, इधर से खिड़की मारा ना तो ये इधर ही पूरे नीचे तक छोड़ देने का, जैसे बारिश की ऊपर लगा लेंगे, बराबर क्या तू व्लॉग बना रहे हैं, किस में दिखाया था ना, सीसी और ओसी कर रहे थे, सीसी क्या ओसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, नहीं नहीं वाला ऐसे नहीं, ओसी बोलते हैं, ओसी से बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, चाहिए मैं जो बोलता हूँ ना उसको तोड़ के इधर ही कर लेना, क्या कर ले क्या, क्यों कवर कर ले, इधर सेटिंग डाल दे, सामान ये बाहर कर देना, ये हटा देना, ये देख इसको बोलना जो बनाएगा ना ये फ्रेम का, ये हाइट का बराबर ये प्रॉब्लम करेगा, ये देख इतनी जो सीधी विंडो कवर कर ले, इतनी सीधी दीवार उठाएंगे, मतलब बढ़ा रहा है तू, और तोड़ना बाबा क्यों, लेकिन अच्छा तो है इतना, तो ठीक है ना, सागर क्या तू ब्लॉग बना रहा है, अबे वैसी बात नहीं कर रहा हूं, इतना भी बहुत है, थोड़ा बच्चे को उसको समझना पड़ेगा, वो सब लग जाएगा क्रिल, जब रहने लग गया किसने बढ़ाया क्या, अभी रहने लग सीख रहा है, सब कर दे सागर, किसी ने बढ़ाया नहीं यार, पर ब्लॉग में बोल, ब्लॉग में बोल, बाकी ठीक लगा आपको, अच्छा मतलब कन्वेंट है, खाली ट्रैवलिंग का इशू है, ऑटो ऑटो सब सामने है, सही है, सीट का 15 रुपया है ना, 10 सारे ऑटो बढ़ा दी, 10 सारे हम लोग के इधर भी अभी नहीं, अभी तो फिलहाल 10 ही है, पर बता कितने का लिया ये, ये चालू है ए आटू, अरे खड़ा है, ए जाटू, ए जाटू आवाज आ जाटू मित्र बात है, कितने का जाटू, हां तो चूती है, आवाज चूती है, याद ना ओके, श्रवण विश्वकर्मा प्रॉपर्टी सेलर, सही है ये भी सही है, सही इधर नाला सोपारा स्टेशन से 5 मिनट शेयरिंग रिक्शा, जिसको भी लेने का एक कॉन्टेक्ट लिया, जिसको कॉन्टेक्ट कर, हाँ फ्रिज इधर रखेगा क्या, फ्रिज इधर लगा दे, ये इधर रखेगा, ये इसको और थोड़ा सा बढ़ा देगा, सॉकेट है इधर किचन में, ये थोड़ा बढ़ा के फ्रिज इधर रख देगा, हो जाएगा फ्रिज, और ये थोड़ा सा ये इसको कुछ बड़ा मत, मैं तेरे को बता, इसमें नहीं नहीं ये वास्तु के हिसाब से सेट करना है, यानी ए शेप में होना चाहिए, एल शेप वास्तु की, सी शेप की एल शेप, हाँ
हम लोग लगा बना के देगा बट आधा ही बना सारे भाई। और ये भी घटा देना बाकी बहुत वेंटिलेशन है, घटा देना नहीं नहीं चाहिए है खिड़की तो खिड़की हटाएगा तो क्या करेगा, खुला रखेगा। हाँ पूरा खुला ही है, बाहर ग्रिल मारा भी, किचन में से फोन आने वाला तेरे भाई। जब तो रहने है तो समझेगा मर जाएगा। पंखा ही पंखा नहीं है, पंखा लगाएगा तो हो जाएगा ना। अभी तो मेरे एसी लगा ना। हाँ भाई सुन, इसकी भाई बाबू इतना धूप से ऐसे ऐसे लग रहा है। इधर पे क्या है टाकी? ये सही शॉर्ट आई प्रॉब्लम्स। हाँ 1000 की टाकी बैठी है, सही है। चलो बहुत अच्छी बधाई हो रूम के लिए। हाँ बस पैसा आना चाहिए। चलो निकालो स्टॉक निकालो। अभी हम लोग 7th फ्लोर पे आए। 7th फ्लोर पे पूरा हॉल है खाली है। इधर पे कुछ भी शो वगैरह किसका फंक्शन लेना होगा तो ले सकते हैं। जैसे व्यू भी बहुत अच्छा आता है। सही ना, निकलने का 4-5। हाँ मस्त पैकी। किसका एंगेजमेंट भी कर सकते क्या लिख के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लिखो इधर पे जाके। गया झाड़ू से लिखे पैर से लिखता हूँ। नहीं नहीं हाथ से नहीं, क्या ये लाइक लिख रहा हूँ लाइक। अभी शैली वो लिख रहा हाँ को लाइक कर दो, पूरा टाइम पास हो जाएगा सच में। चलो लिफ्ट आ गई। पहचाना लिए वो पहचाना था इसके आगे उसी ने बताया था। हाँ वो पापा के पीछे पड़ा था तो 1 लाख रुपये खाते हो उसका 1-1.5 लाख खाया रहेगा उसको अपने इस पर छुटा रहेगा उसके साइड से ना बिल्डर के साइड से। उसमें दो फ्लैट लिया, इसमें दो फ्लैट लिया। प्लॉटिंग कर रहा है साथ में बिजनेस भी कर रहा है। एक देख के जमा नहीं जमा गया नहीं। एक फैन तो है पर हवा नहीं लग रही। कितना भी सीसीटीवी भी है गाइस, कैमरा फुल सिक्योरिटी में है बिल्डिंग। नहीं 4-5 साल हुआ। कितने साल में? बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है। कितना साल हुआ? 1-1.5 साल। यहाँ पे आप घूमने आ सकते हो, रूम ले लो और जितने चाहिए उतना घूमो। रूम लेने का है तो तीसरे वाले का क्या दिखा रहा था? फिर से बोल रहा हूँ मैं, कथा क्या भूल ना जाओ। श्रवण विश्वकर्मा को कांटेक्ट करो। अबे हगरे पासुड़े यहाँ पे भी टावर है। ये पूरी सोसाइटी है, पूरी सोसाइटी है। बहुत ही बड़े बड़े टावर है यहाँ पे। क्रिस्टल प्लाजो, पूनम प्लाजो, नए नए प्रोजेक्ट बने हैं वहाँ पे। आबड़ा मैच ले रहे हैं लेना, अपन 4 और 6-7 जब जितने भी है थोड़े मैच ले रहे हैं। अरे किधर मैच ले रहे तू यार, वाइड बॉल देख जिधर जाएंगे उधर क्रिकेट खेलना है हमको। लाइव यूट्यूब पे, YouTube पे लाइव खेलेंगे। चलो बच्चे लोग हैरान हो गए। लाइट जाएगा ना, तो जनरेटर भी है ना। लाइट जाएगा कुछ मारा उसने ब्लॉग ही नहीं बना क्या? लाइट यूजर का एनिमेशन शूटिंग वगैरह है कुछ। अबे बच्चे लोग का क्या देखेगा? हाल डाटे इसको भी देख के हाथ दिखा रहे। तो वहाँ पे थे हम लोग 6th फ्लोर पे। पार्किंग दिखा, ये पार्किंग है गाइस। पता नहीं ये गाइस क्यों बोलते हैं, सब तो है लोग हिंदी में मित्रों बोल सकते हैं, दोस्तों बोल सकते हैं, लेकिन गाइस क्या है अभी तक मुझे इसका लॉजिक नहीं समझा। गाइस क्यों बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बोले जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ नहीं, देख देख के बोलते हैं। यहाँ पे थे हम लोग, इसका एंट्री गेट देखो। शीतल सेजल, ये दोनों के नाम पे बिल्डिंग है। पता नहीं ज्योत, शीतल ज्योत शीतल ज्योत
हाँ, शीतल सेजल दो बिल्डिंग है और शीतल ज्योत विंग है, वेस्टर्न पार्क विंग बी एंड मनी भद्रा हाइट विंग एफ। ओके, तो अभी हम लोग जा रहे घर पे। तो ये था टावर, ये थी सोसाइटी श्रवण की। ओके गाइस, तो अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं। मेरे टैग कैमरे की बैटरी भी ख़त्म हो रही है, इसके लिए अभी हम लोग जा रहे घर पे। बस हो गया, अभी ब्लॉग बहुत कंटाला आ गया मेरे को, ब्लॉग बना बना के दिन खराब हो गया मेरा। एक तो खाना लेट मिला, शादी में भी लेट पहुँचे उसके वजह से खाना लेट मिला। उसके बाद यहाँ पे आए नाला सुपर में, थोड़ा घूमने मिला, लेकिन अभी तक पानी नहीं मिला, बहुत प्यास लगी है, पानी नहीं मिला। फाइनली रिक्शा मिल गया हम लोग को। लेकिन तब तक सामने वाले को मैं हाँ बोल दिया ना, आपको कैसे ही करें, हम लोग पीछे पीछे रिक्शे में बैठे थे। और फॉर्चुनेटली हमको हम लोग ने लेट कर दिया था आते वक्त, तो वही काका मिले हमको रिक्शे के लिए नसीब से। अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन जा रहे हैं। काका फेमस हो जाएगा, काका यूट्यूबर वीडियो टाइप में वैसा नाकावर भेटतील काका। काय कार्यक्रम होता का इकडे आले? हा, लग्न होतं मित्राचं कॉलेजच्या। डायरेक्ट 5 वर्षांनी भेटलो, टीसी झाला ना ते। हा, गव्हर्नमेंटचा पोरगा आहे, गव्हर्नमेंटची पोरगी भेटली त्याला। लग्न 11:30 होतं आणि आम्ही 2 वाजता डायरेक्ट रिसेप्शन। आम्ही आलो आहे घाटकोपर, घाटकोपर म्हणून उशीर झाला। सकाळी पण एकाच ठरलंच नव्हतं काय, तर मग त्याचं उशिरा ठरलं यायचं। ओके गाइस, सो हम लोग घर पे जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंजॉय। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो इधर पे गलत जा रहा हूँ। 3 जन को शेयर करो, 3 जन को शेयर करो, 3 को बोलो और 3 को शेयर कर दो। और हंसते रहो, हंसते रहो, दोस्तों को याद करते रहो, किसी का साथ मत छोड़ो, बस घूमते रहो। और बसे में आओगे तो काका को मिलो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।